इस वीडियो में देखिए कटोरी चाट बनाने का बहुत ही मज़ेदार रेसिप, जो कि काफ़ी टेस्टी तो है ही, साथ में बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। जो कटोरी आप देख रहे हो ये सिर्फ आटे से बनी हुई है, तो इसका मैं बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे बनाया जाए। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें डो रेडी करना है, उसके लिए एक बाउल जितना आप आटा ले लीजिए, उसमें आधा टेबलस्पून नमक और जीरा डाल दीजिए, एक टेबलस्पून ऑयल डालना है और आधा बाउल जितना पानी डाल के डो को रेडी कर लेना है। नॉर्मल जो हम रोटी बनाते हैं वैसा ही डो करना है। इसके बाद इसको कवर कर देना है और 15 से 20 मिनट तक ले रहने देना है। तो 15 से 20 मिनट हो चुकी है, अब इसके चार लोए बना लेने हैं हमें। जो हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा छोटा ही इसका लोआ होता है, तो रोटी को बेल लेते हैं हम। अब हमें लेनी है एक कटोरी और उस पर हमें डालना है थोड़ा सा ऑयल और अच्छे से सब साइड फैला देना है, ताकि जो हम ये रोटी इस पर लगाएंगे वो चिपके ना और फ्राई करते टाइम कटोरी है जो इसमें से आराम से निकल जाएगी। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें रोटी को लगा देना है कटोरी पे और जो भी एक्स्ट्रा है उसको हटा देना है, देखिए कुछ इस तरह। तो ये रेडी हो चुका है। अब हमें पैन में ऑयल को गर्म कर लेना है और जैसे ही तेल गर्म हो जाता है हम इसको फ्राई कर लेते हैं। इसे 2 से 5 मिनट तक के लिए सब साइड से अच्छे से हमें फ्राई करना है और उसके बाद आप देखिएगा कि कटोरी है जो अपने आप ही निकल जाएगी। ऐसी फ्लैट कटोरी लोगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। इसको दोनों साइड से हमें फ्राई कर लेना है अच्छे से, ताकि कहीं से भी ये कच्ची ना रहे। तो अब इसे निकाल लेते हैं। देखिए एकदम कटोरी के शेप की ये बन चुकी है। तो सेम ऐसे ही हम बाकी के भी बना लेते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये बन चुकी है। तो अब चाट बनाने के लिए मैंने ये सब इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जैसे कि दही है, प्याज है, हरी चटनी, टमाटर, आलू भुजिया, इमली की चटनी। आप अपने हिसाब से इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं या कोई और चीज़ भी आप यूज़ में लेना चाहो तो वो भी ले सकते हैं। तो बस इन सब चीज़ों को इसके अंदर डालिए। और ये हमारी कटोरी चाट जो है वो रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये। तो ये था कटोरी चाट बनाने का फुल रेसिपी। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो इसे लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से शेयर कीजिएगा और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आप बेल आइकन पे ऑल को प्रेस करोगे तो आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप मेरे दूसरे वीडियो भी चेक कर सकते हो। मिलता हूँ उसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।